हेलो एवरीवन, मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राना फूड हाउस। आज मैं जॉजी की रेसिपी लेके आई हूं। ये बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये यूट्यूब पे पहली बार ये रेसिपी शेयर हो रही है। ये मेरी दद्दा बनाया करती थी, उसके बाद मेरी मम्मी बनाती हैं। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं हम जॉजी की रेसिपी। तो जॉजी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है आइए देख लें। घी यूज करेंगे 200 ग्राम, पिस्ता 20 ग्राम, चीनी हाफ के जी, मैदा यूज करेंगे 200 ग्राम, हाफ जायफल यूज करेंगे और दो जावित्री के फूल लेंगे, बादाम 50 ग्राम, जाफरान यूज करेंगे हम और फूड कलर यूज करेंगे। यहाँ पे सबनक सबनक यूज करेंगे 150 ग्राम और फ्रेश क्रीम यूज करेंगे 200 ग्राम। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हमें 2 लीटर दूध चाहिए। तो अभी हम बनाना शुरू करते हैं। जॉजी बनाने के लिए हम सबसे पहले हम जो सबनक है इसका एक पेस्ट बना लेंगे। जॉजी जो रेसिपी है वो सबनक से ही बनाई जाती है। और हम साथ में एक कटोरी दूध डाल के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। दो लीटर फुल क्रीम दूध है, इसे मैंने बॉयल नहीं किया है, कच्चा दूध है। इसी दूध में हम सबनक को घोल देंगे। ये सबनक का मैंने पेस्ट बना लिया था दूध में डाल के, इसी पेस्ट से। सारे पेस्ट को मैंने दूध में डाल दिया और इसे अच्छे से हम फिर घोल लेंगे। इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। मैदे का हमें एक पेस्ट बना लेना है, घोल लेना है। तो इस दूध से हम थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल कर लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा डाल के एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम पेस्ट तैयार कर लेंगे मैदे का। अब इस पेस्ट को हम दूध में मिलाते जाएंगे। मैदा भी सारा डाल दिया है। अब इसमें हम फूड कलर को ऐड कर देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। दूध में सबनक गई है, मैदा गया है और फूड कलर, ये तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके हम काउंटर पे इसे आधे घंटे के लिए इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ पे जायफल, जावित्री, पिस्ता और बादाम को तीनों चीजों को हमें मिलाकर अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लेना है। गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और इसे दूध को हमने यहाँ पे रख दिया आंच पे। अब इसे हम हल्के हल्के हाथों से चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अभी जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाए जब तक इसे चलाते रहना है। उबाल आ गया है और बहुत ही अच्छा फटा है। अब इसे हाई फ्लेम पे हम इसे चलाते जाएंगे बहुत ज्यादा, और इसके में जितना पानी है इसको हम सुखा लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। इसमें रवे की जरूरत नहीं है इसलिए हम इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में कि इसमें रवा ना बने।
पानी थोड़ा सूख चुका है, अब हम यहाँ पे चीनी को ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको चला लेंगे। पानी बहुत हद तक सूख गया है, यहाँ पे हम फ्रेश क्रीम को ऐड कर देंगे। क्रीम को डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जौजी बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, इसे एक बार जरूर बनाएं, ये सर्दियों की खास डिश कहेंगे। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे चला लेंगे कि नीचे लगे नहीं। जौजी जब बनती थी तो घर में एक सेलिब्रेशन का माहौल रहता था। कम से कम 20 किलो दूध की बनती थी और लकड़ी के चूल्हे पे बनती थी, और वहाँ पे सब लोग बैठ के गप्पे शप्पे करते थे और हम जो बच्चे थे हम इंतज़ार में रहते थे कि कब ये जौजी बने और हम लोग को मिले खाने के लिए। तो ये बहुत ही मज़ा आता था जब जौजी बनती थी घर पे। घी को ऐड कर देंगे, जो घी हमने रखा था। घी को ऐड करके इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। बादाम, पिस्ता, जायफल और जावित्री का जो हमने एक पेस्ट बना लिया है इस तरह से मिक्सी में पीस के, इसको फिर हम यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल ऐड करेंगे। इस पेस्ट को भी डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम जाफरान में चुटकी भर जाफरान लिया है, उसमें थोड़ा सा दूध डाल के लास्ट में बिल्कुल इसे ऐड कर देंगे। जाफरान डाल के हम अच्छे से इसको भून लेंगे। ये तैयार है, देखिए ये अच्छे से घी यहाँ पे छोड़ रहा है कढ़ाई। जौजी बन के रेडी है, आइए इसे सर्व कर लें। जौजी की लॉज बनाने के लिए हम एक ट्रे पे थोड़ा सा घी लगा के अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है, अब हम इसमें जौजी डालेंगे। इस तरह से इसको फैला लेंगे और जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी हम लॉज काट लेंगे। ठंडा हो गया है थोड़ा, तो हम यहाँ पे इसकी लॉज काट लेंगे, इसकी पीसेस कर लेंगे। जौजी बन के तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट्स करेंगे। थैंक यू।